जाओ, उद्धत हो जाओ, हो उन्नत हो जाओ, वो थक जाए स्वधा में, कृष्ण स्वधा में उपगते हो जाए। कृष्ण तुमको या तरह से थग ले है, तुम वाके ऊपर कॉन्फिडेंस रहो। कई बखत ऐसे यूं कहवे कोई मर गए हो, कोई की पत्नी मर गई, तो पत्नी मर गई तो सब लोग खरखरा करने आए, खरखरा करने आए तो मैं नहीं सुनाऊंगा ये बात। मूल मुद्दा की बात ये सब, हाँ नहीं नहीं मैं जब बात समझाने जा रहे हूँ वो ये बात है कि वो हैबिट रह गई कि बच्चे सब जो हैं वो अपने आसपास खेल रहे हैं, तो वहाँ ने कही कि भाई तुम्हारा पत्नी चला गया, बहुत दुखी थया हमने। बोले ना ना दुखी थवाने में कहीं मती, मने आनी बधानी चिंता छे, तो ये बधा तो त्यांथी रमता भागी गया था। वो दुखी हो रहे तो कहता हाँ बधा नी चिंता बनता है छे, नहीं तो हता नहीं त्या। मतलब कुछ दूसरा ही हो गया। समझ में आए कि नहीं? यार गंभीर बात है ये, नहीं समझो वहां में ही फायदा है। तो आनी बधा नी चिंता बनता है छे, तो पची जे जघन्य छे एनु शू थशे, ने पची जे सेवा घर मा नती करी शकता तेनु शू थशे। अरे तमारी सामे खरखरा करवा आवी रह्या छे, तमे तमारी चिंता नती करी रह्या, तमारी पत्नी चाली गई, तमे कही गया छो के आनु शू थशे। उत्तमाधिकारीओ तो करता था, पण बीजा हीनाधिकारीओ बिचारा क्यां जाए? तो ताने आनी चिंता तमे केम करी रह्या छो? यार बधानी चिंता, आनी बधानी मने चिंता छे। वो बिचारे समझ ही नहीं पाए कि कोनी चिंता थई रही छे, पत्नी चाली गई ते मां। वो सब भाग गए खरखरा करने वाले, कोई गंभीर चिंता लागे छे हमने। तो एक रहस्य समझो कि या तरह से अपने को बहुत सारी बातन की चिंताएं हो रही हैं, जो एक चिंता हो नहीं हो रही है वो अर्जुन के गीत की कि कृष्ण अपने को ठग गयो है। अपन ने वाकू मान लियो तो कि अपने के साथ रह रहे है, अपन के तो पुष्टि प्रभु भक्त के वश में है, जगाओ तो जगे, पोड़ाओ तो पोड़े, अपन ने मान लियो कि बस हमारे तो सब वश में है, अब बाकी अपन को चिंता नहीं है, बाकी आनी चिंता था ऐसे बता नहीं। तो ये गंभीर कथा है विदुरन की, सबन की। विदुर समझे ना, विदुर नहीं हो। विदुर अलग हो गए, विदुर अलग हो गए, विधवा को अपोजिट विदुर, वो विदुर एक अलग प्राणी है। तो ये विदुर प्राणी की कथा ऐसी है कि मने एमनी चिंता थाय छे, कोनी चिंता थाय छे, नो खुलासो तो थवो जोईए ने। तो एक समझने की बात है हमें कि एनी चिंता करने के बजाय यार तू खुद की चिंता कर कि तू आज विदुर हो गयो, अर्जुन की तरह अपने को चिंता होनी चाहिए। तो ये जो अर्जुन की गीता है देखने लायक है। और खैर जो मैं बात आपको बताना चाह रहे हूँ वो बात ये है कि अपन सब परीक्षित हैं, परीक्षित हैं। अर्जुन के वंश में जो भगवान को इतनो क्लोज सखा है, वाकई वंश में परीक्षित हैं। आप भी जो है वो नाद सृष्टि के हो वंश, हम भी जो हैं वो बीज सृष्टि के वंश हैं। अपन सब वंश हैं जो भगवान के सखा हैं उनके, वो सब वंश हैं। ये सब बात ठीक है, पर कृष्ण ठग गया अपने को, कृष्ण कहीं अपने को ठग गया, क्योंकि अपन को जो जा तरह से अपन ने वाकू टेकन फॉर ग्रांटेड ले लियो, ऐसे वाकू टेकन फॉर ग्रांटेड लियो नहीं जा सके है, वाकू अटेंड करना पड़ेगा। महाप्रभु जी कहें जब तुम वाकू अटेंड करोगे तो वो तुमको अटेंड करेगा, और जब वाकू तुम अटेंड कर रहे हो तो वाके लिए तुम्हारे सामने कोई वाकी प्रक्रिया होनी चाहिए कि वाके जो कृष्णात्मक नाम हैं, कृष्णात्मक रूप हैं और कृष्णात्मक कर्म हैं, उनकी अपन केयर कैसे लें तो वो टिके। और वाकी सबसे पहली केयर महाप्रभु जी ने बताई है कि हर व्यक्ति को खुद की लेनी चाहिए केयर। तुम अपनी केयर लो, अपनी केयर लो,
गांव की केयर लेने की हमें उतनी जरूरत नहीं है। तुम अपने जो नाम कृष्ण को, जो रूप तुमको कृष्ण को मिलियो, जो कृष्ण को कर्म तुम्हारे पास अवेलेबल है, वाकी तुम कैर लो, कृष्ण तुम्हारी कैर लेगो। ये बात पूतना के वध में भी बताई है कि भगवान पूतना को तभी मारे हैं कि जब अपन कृष्ण की कैर लेते हों, और घर में पूतना भी तभी घुसे है कि जब अपन कृष्ण की कैर नहीं लेते हों और ऐसा मेलावड़ा की कैर लेते हों। अपन को आज मेलावड़ा की कैर लेनी ज्यादा अच्छी लगे कि कहीं भी मेला भयो तो चलो जुटो, हमने आनी चिंता थाय छे वातरसु अपन वो मेलावड़ा की कैर लेने चले जाएं। मेलावड़ा की कैर लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता कृष्ण के कृष्णात्मक रूप, कृष्णात्मक नाम और कृष्णात्मक कर्म के कैर लेने की जरूरत है। एक वक्त वो अपन कैर लेंगे तो कृष्ण जो है वो स्वधाम जो है वो, एक बात ध्यान समझो कि स्वधाम को मतलब ये है कि यदि आप अपने आप को कृष्ण को स्व मानते हो, स्वीय मानते हो, तो आपको जो हृदय, आपको जो घर है वो कृष्ण को स्वधाम है। और यदि आप अपने को स्वीय नहीं मानते हो कृष्ण को, तो आपको घर, आपको हृदय स्वधाम नहीं है, परधाम हो गयो। कृष्ण आ भी गए तो थोड़ी देर में डिस्कम्फर्ट फील करके वहां से रवाना हो जाएगो, जैसे कि आज की तारीख में अपने यहां से रवाना हो गए कृष्ण। तो जा दिन कृष्ण रवाना हुए है वा दिन भागवत अपने को ये समझावे कि कलियुग आ गयो, वा दिन कलियुग आ गयो, वा दिन कलियुग आयो, वा के बाद फिर परीक्षित पैदा भयो है। बात ध्यान से समझो, परीक्षित वो परीक्षित के जाके बीज की रक्षा प्रभु ने करी है। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत् कृष्णम्। तो परीक्षित रूपी बीज की रक्षा प्रभु ने करी है, पर वो बीज अंत में आयो है कहां? कलयुग में। वो पूर्णतया धार्मिक है अपने बीज भाव के कारण, उत्तरा और अभिमन्यु के संस्कार वहां में है। अभिमन्यु में सुभद्रा और अर्जुन के संस्कार हैं, उनमें कृष्ण को साहचर्य पदार्भाव, आपको इतनी स्वस्थता से चलते देख के बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी भाई, ग्रेट। परीक्षित है प्रभु के द्वारा, परीक्षित है सबन के द्वारा, परीक्षित है अपना बीज भाव भी, परीक्षित है। ज्यादिन अपन ने ब्रह्म समन लियो ठाकुर जी के आगे, ज्यादिन अपन ने ठाकुर जी के नाम की कंठी गला में पैरी, वादिन अपने बीज भाव की परीक्षा भई है। अपन सब परीक्षित हैं। महाप्रभु जी एक बहुत सुंदर बात परीक्षित के बारे में कहें कि आखिर अंतर क्या है साधारण भक्त में और परीक्षित में। तो महाप्रभु जी ये बात बतावे हैं के कलिकाल के कारण गलती तो सबसे हो सके है, ऐसे कोई आदमी नहीं है कि जो गलती नहीं करते हो, काल ही ऐसा है कि गलती करें, पर गलती करने के बाद गलती को समझना नहीं अपरीक्षितता है। परीक्षित की कोई महत्ता है तो वो यह बात की है कि गलती जो भई है वह गलती को वो समझ पा रहे हो है। और एक बात समझो, कोई ने वह को मोबाइल से सूचना नहीं दी हो कि तुमको तक्षक के भक्षण को सांप लग गयो है, मोबाइल से सूचना मिले वाके पहले वाकू खुद को रियलाइज हो रही हो कि मोसे गलती भई, गलती तो भई है, जाके सामने गलती भई है, वो खुद भी मंजूर कर रहे है कि परीक्षित को ऐसा श्राप लगना नहीं चाहिए। तो
वो भी खुद परीक्षित को ऐसा श्राप लगना नहीं चाहिए, तो क्योंकि धार्मिक है।